इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे, उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड प्रबलता से कर रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसके आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, उसकी जिंदगी में आ गया है, अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। आप इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज के विरोध में ना हो बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज को पा रहे हैं। आप वही करें जो आप उस चीज के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद की शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। थैंक यू।